गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप हमारा सबका पेपर जो है वो बहुत ही अच्छा गया होगा। आपको मुझे बताना है कि मोस्ट वांटेड सीरीज की जो सक्सेस है वो कितनी परसेंट रही है। आप सब लोग मुझे कमेंट में बताएंगे कि कितना ज्यादा आपको इस सीरीज ने हेल्प किया है। मैं आज इस फिजिक्स के पेपर का सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। ये जो मैंने क्वेश्चन पेपर उठाया है ये S2 सेट का है, बट क्योंकि मैं हर क्वेश्चन और उसका सॉल्यूशन डिटेल सॉल्यूशन बता रहा हूँ तो आप क्वेश्चन बाय क्वेश्चन अपने आंसर्स चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ मैंने जो इसके साथ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है, आंसर प्रोवाइड किया है, मैंने साथ ही साथ में टाइप प्रोवाइड कराया है कि किस टाइप का क्वेश्चन है। मैंने बताया था स्ट्रेटजी वीडियो के अंदर कि सिंगल कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, मल्टीपल कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं और चैलेंजिंग क्वेश्चंस आते हैं। तो इस बार का पेपर बहुत ईजी था। मैक्सिमम क्वेश्चंस जो थे वो सिंगल कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस थे, चैलेंजिंग क्वेश्चंस एक आध थे, उसके अलावा नहीं थे, ठीक है ना। और साथ ही साथ में मैंने ये तक बताया है कि जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूं आपको, जिस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं बताने जा रहा हूं, ये हमारी मोस्ट वांटेड सीरीज के किस दिन पर किस टॉपिक के अंदर हमने कवर किया था। तो मेरे साथ जुड़े रहिए, आपको बहुत मजा आने वाला है इस सॉल्यूशन के अंदर, काफी कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, राइट। तो आपको कहा गया है कि एवरेज वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM इन वन कंप्लीट वाइब्रेशन। तो हमने SHM के अंदर पढ़ा था डे 12 पर कि आपका जब भी पार्टिकल SHM करता है तो मीन पोजीशन से एक बार हो जाएगा यहां पर, वापस से आएगा यहां पर, फिर जाएगा इधर और फिर वापस से आ जाएगा मीन पोजीशन पर। इस पूरे के पूरे राउंड को अपन एक कंप्लीट वाइब्रेशन कहते हैं। अब नोट करो, इस कंप्लीट वाइब्रेशन में इनिशियल पोजीशन भी यहां थी, फाइनल पोजीशन भी यहां है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया पार्टिकल का, डिस्प्लेसमेंट हो गया जीरो, राइट। और अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया तो उसकी एवरेज वेलोसिटी कितनी हो जानी चाहिए, एवरेज वेलोसिटी भी हो जानी चाहिए जीरो, राइट। तो इसका जो आंसर आना चाहिए वो आना चाहिए जीरो, ऑप्शन नंबर टू इज करेक्ट, राइट। सिंगल कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन था, आसानी से आप लोग रिलेट कर पाओगे इस चीज से। टू सिमिलर थिन इक्वी कॉन्वेक्स लेंसेज ऑफ फोकल लेंथ एफ ईच आर केप्ट कोएक्सियली इन कॉन्टेक्ट। तो देखो, इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है, अगर सिंगल इक्वी कॉन्वेक्स लेंस की बात करता हूं तो इसकी फोकल लेंथ होती है 1/f। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा डे 15 पर, हमने डिस्कस किया था म्यू माइनस वन, और यहाँ पे म्यू कितना दे रखा है 1.5 माइनस वन डिवाइडेड बाय 1, म्यू माइनस वन ही होता है वैसे तो। फिर अपन लिखते हैं 1/r1 माइनस 1/r2। तो इसके लिए देखोगे, इस वाली सरफेस के लिए देखोगे तो जो r1 है वो पॉजिटिव है और इसके लिए देखोगे तो नेगेटिव है। तो 1/r1 माइनस 1/r2 करोगे तो दोनों ऐड हो जाएगी, और क्योंकि E3 कॉन्वेक्स है तो 2/r हो जाएगा। अब 1.5 में से 1 गया तो 0.5 बचेगा, 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 2 1 हो जाता है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/r, राइट। इसी तरीके से जो बीच में लेंस बन रहा होगा इस क्वेश्चन के अंदर, वो ऐसा कुछ लेंस बन रहा होगा, उसकी फोकल लेंथ कितनी आ जाएगी 1/f, सेम मटेरियल यूज किया है -1, और अब की बार यहाँ पे आ जाएगा -2/r, क्योंकि इसकी जो ये रेडियस है ये नेगेटिव होती है, ये रेडियस पॉजिटिव होती है, तो टोटल आंसर आता है नेगेटिव में, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी -1/r। अब फाइनल कंडीशन में आपको ये कहा गया है कि दोनों लेंसेस, तीनों लेंसेस को, मतलब इस तरीके की सिचुएशन बना दी गई है, ये दो लेंसेस थे और इसके बीच में ये वाला लेंस और कनेक्ट कर दिया है, तो इन तीनों लेंसेस को, तो 1/f2 की जो वैल्यू होगी वो किसके इक्वल हो जाएगी, 1/f प्लस 1/f, हमने डिस्कस किया था कैसे लेंसेस को कंबाइन किया जाता है, एंड -1/f। अगर आप देखोगे तो इसकी वैल्यू जस्ट माइनस है, तो 1/f से 1/f कैंसिल हो जाएगा, तो f2 की वैल्यू आ जाएगी सिंपली f। और अगर तुम केवल और केवल इन दोनों लेंसेस को कंसीडर करते हो तो 1/f1 की वैल्यू आ जाएगी सिंपली 1/f प्लस 1/f, यानी कि f1 की वैल्यू आ जाएगी 2 टाइम्स, तो f डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगी। और आपसे पूछा गया है कि f1 डिवाइडेड बाय f2 क्या हो जाना चाहिए, तो आपका आंसर आ जाना चाहिए 1 डिवाइडेड बाय 2। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4 होगा। काफी आसान क्वेश्चन था, बट फिर भी इस क्वेश्चन ने कई बच्चों को अटकाया होगा, क्योंकि इसके अंदर 3 बार कैलकुलेशन करनी थी सेम टाइप की। अ पार्टिकल मूविंग विद वेलोसिटी v इज एक्टेड बाय 3 फोर्सेस शोन बाय द वेक्टर ट्रायंगल। तो इसमें पहला तो वेक्टर का कांसेप्ट लगा है, हमने वेक्टर में पढ़ा था पॉलीगन लॉ के अकॉर्डिंग जितने भी वेक्टर्स हैं उनको कॉन्सिक्यूटिव साइड से रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है। तो अगर वो क्लोज्ड पॉलीगन बनाते हैं तो उनका नेट जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है वो कितना हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो इस कंडीशन में अगर रिजल्टेंट वेक्टर जीरो हो जाएगा तो रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो गया, फोर्सेस को रिप्रेजेंट करा है। और फिर डे 4 का क्वेश्चन हमने पढ़ा था कि अगर किसी पार्टिकल के ऊपर फोर्स जीरो होता है तो उस पार्टिकल की जो मोशन है वो कंटिन्यू रहती है, मतलब वो जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा है उसी वेलोसिटी से मूव करता रह जाता है, यानी कि इसमें उसकी जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रहेगी। थोड़ा सा आपको दो कॉन्सेप्ट्स को मिक्स करना था, बट स्टिल इट वाज एन इजी क्वेश्चन, राइट। इट वाज अ इजी क्वेश्चन। आयनाइज हाइड्रोजन एटम एंड अल्फा पार्टिकल्स विद सेम मोमेंटा
एंटर्स परपेंडिकुलर, तो आपने देखा था जब परपेंडिकुलर फील्ड में जाती है तो रेडियस होती है एम वी अपॉन क्यू बी। मैंने एग्जैक्टली आपको इस तरीके की क्वेश्चन कराए थे कि आपको रेडियस का रेशियो निकालने के लिए कहा जाता है किसी चीज को देखे, तो यहाँ पे कंडीशन दे रखी है कि मोमेंटम जो है वो कॉन्स्टेंट है। अब जब मोमेंटम कॉन्स्टेंट है तो आर जो है वो किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी, क्यू के, बी तो दोनों के लिए सेम ही है, यानी कि आप लिख सकते हो कि आर एच डिवाइडेड बाय आर एल्फा की जो वैल्यू हो जानी चाहिए वो हो जानी चाहिए क्यू एल्फा डिवाइडेड बाय क्यू एच। क्यू एल्फा का चार्ज होता है ट्वाइस ऑफ इलेक्ट्रॉन के और हाइड्रोजन का होता है सिंगल इलेक्ट्रॉन, ई से ई गया तो इसके आंसर आ जाना चाहिए टू डिवाइडेड बाय वन, तो ऑप्शन नंबर थ्री जो है वो करेक्ट आंसर होना चाहिए। हमने डेट 25 पर एग्जैक्टली इस तरीके का क्वेश्चन डिस्कस किया था, राइट। अ बॉडी ऑफ मास 4m मूविंग विद स्पीड u कोलाइड्स विद अनदर बॉडी मास 2m, तो ऐसे है ये बॉडी है इसका 4m मास है, ये है इसका 2m मास है, ये रेस्ट पर है तो u2 तो आपको दे रखा है 0, u1 आपको दे रखा है u, टकराने के बाद में इसकी स्पीड v1 हो जाती है, इसकी v2 हो जाती है, तो पहले अपन मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएंगे, उसके अकॉर्डिंग 4m टाइम्स u ये किसके इक्वल आ जाएगा 4m टाइम्स v1, ठीक है, प्लस 2m टाइम्स v2 के इक्वल आ जाएगा। सेकंड इक्वेशन इसने बता रखा है कि आपका जो कोलिजन है वो इलास्टिक है, इलास्टिक के केस में वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या हो जाती है, सेम हो जाती है, तो वेलोसिटी अप्रोच हो जाएगी u और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन हो जाएगी v2 minus v1। तो जब हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो फाइनली हमारे v1 की वैल्यू आ जाएगी u डिवाइडेड बाय 3। तो अपन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालते हैं, अपन ऐसे निकालते हैं मतलब चेंज इन रिलेटिव चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, अपन इसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ले लेंगे, हाफ मास हो जाएगा 4m, स्पीड हो जाएगी u स्क्वायर, माइनस बाद में कितनी हो गई हाफ 4m, स्पीड हो गई u बाय 3 मतलब u स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9, और शुरुआत में कितनी थी हाफ 4m इनटू u स्क्वायर। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो फाइनली हाफ 4m u स्क्वायर तो कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 9 और फाइनली आंसर निकल के आएगा 8 बाय 9, तो इसका जो ऑप्शन नंबर 4 था वो करेक्ट हो जाना चाहिए। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था डे 6 पर जब हमने कोलिजंस के बारे में पढ़ा था मोस्ट वांटेड सीरीज के अंदर, राइट। द स्पीड ऑफ अ स्विमर इन स्टिल वाटर, अभी जस्ट रिसेंटली हमने ऐसा कुछ क्वेश्चन किया था, स्टिल वाटर है इस तरीके से और रिवर जो है वो कुछ इस स्पीड से फ्लो कर लिया, राइट, इसको अपने वी आर मान लिया। अब अगर उसको सीधे सीधे इस रास्ते पर जाना है तो कुछ इस डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, तो ये Vm हो गया। मैंने बताया था जो आपका रिजल्टेंट होता है ये यहां से पैरेललोग्राम बनाने की कोशिश करी तो ये Vr हो गया, तो रिजल्टेंट एग्जैक्टली किस डायरेक्शन में आना चाहिए, आपका इस डायरेक्शन में आना चाहिए, इस एंगल को थीटा मान लेते हैं, आपको ट्राइंगल में साइन थीटा दिख गया होगा, साइन थीटा किस चीज के इक्वल है वी आर डिवाइडेड बाय वी एम, वी आर आपको दे रखा है कितना रिवर, ठीक है, रिवर की स्पीड दे रखी है आपको 10 और Vm दे रखा है 21 by 2, right? और sin theta का 1 by 2 होता है जब theta की वैल्यू हो जाए 30 डिग्री, तो इसके अंदर 30 डिग्री वेस्ट जो है डायरेक्ट क्वेश्चन आया है, कुछ इसी तरीके के दो तीन क्वेश्चन हमने करने की कोशिश करी थी। इन दिस सर्किट शोन बिलो द रीडिंग्स ऑफ द वोल्टमीटर एंड द एमीटर विल बी, अब देखो इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन था वैसे देखा जाए तो, क्या आपको कहीं भी ये नहीं कहा गया कि वोल्टमीटर और एमीटर कैसे है, तो अगर हम इनको आइडियल वोल्टमीटर और एमीटर मानेंगे तो आइडियल वोल्टमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो तो कितना होता है इनफिनिटी, मतलब वो जीरो करंट ड्रॉ करता है, और आइडियल एमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो होता है जीरो, तो इस केस में तो क्या होगा V1 और A1 लगा रखा है तो सिंपली आपका जो वोल्टेज है वो तो आ जाएगा 10 वोल्ट और करंट आ जाएगी 1 एम्पीयर। इसके केस में क्या होगा क्योंकि इसका रेजिस्टेंस इनफिनिटी है तो इस ब्रांच का रेजिस्टेंस इनफिनिटी हो गया, इस ब्रांच का रेजिस्टेंस इनफिनिटी हो गया तो अगेन सेम करंट फ्लो होगी, जब सेम करंट फ्लो होगी तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो भी वापस से सेम हो जाएगा, तो आपके एग्जैक्टली V1 और V2 की वैल्यू सेम आनी चाहिए और I1 और I2 की वैल्यू सेम आनी चाहिए। बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, अगर किसी बच्चे को ये सब चीजें नहीं पता होगी तो ये क्वेश्चन जो था वो चैलेंजिंग था, ऑल्दो इट वाज अ सिंगल कंसेप्ट बट इट वाज आल्सो अ चैलेंजिंग क्वेश्चन, राइट, ये चीज ध्यान रखना। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा था तो आपको छोड़ना था ये क्वेश्चन, इसके अंदर टाइम वेस्ट नहीं करना था। आगे चलते हैं, 810 कॉइल ऑफ इफेक्टिव एरिया 0.05 मीटर स्क्वायर इज केप्ट परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड 5×10⁻¹⁵ टेस्ला When the plane of the coil is rotated by, तो हमने पढ़ा था induced EMF जो होता है, उसकी value d phi by dt, change in flux divided by time के equal होती है। तो यहाँ पे change in flux कितना हुआ? पहले flux था n multiplied by b multiplied by a, बाद में क्योंकि 90 degree पर हो गया b और a, तो flux कितना हो जाएगा zero, flux होता था b dot a, तो हो जाएगा zero, और इतने time कितना लगा है इसको 0.1 second लगा है, सबकी value रखते हैं, n दे रखा है 800, b दे रखा है आपको 5 into
10^-5 और एरिया दे रखा है आपको 0.05 और टाइम दे दिया आपको 0.1। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका जो है ऑप्शन नंबर 2 0.02 वोल्ट जो है वो आपका आंसर आ जाना चाहिए। सिंगल कंसेप्ट था, डायरेक्ट क्वेश्चन अपनों ने इस तरीके का किया था डे 26 पर जब हमने ईएमआई के बारे में पढ़ा था। एट ए पॉइंट ए ऑन द अर्थ सरफेस द एंगल ऑफ डिप डेल्टा इज, ठीक है, तो जैसे मान लो ये नॉर्थ पोल है और ये इस तरीके से आपका साउथ पोल है, तो एंगल ऑफ डिप अपनों ने बताया था जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उससे आपकी नीडल कितनी झुकी हुई है। तो हम एंगल ऑफ डिप में हमेशा नीचे वाले एंगल को पॉजिटिव लेते हैं क्लॉकवाइज को, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर तो ये पॉजिटिव होगा और यहां पर तुम देखोगे तो नीडल किस तरीके से हो चुकी होगी, वो नॉर्थ की तरफ जाने की कोशिश कर रही होगी, तो आप देखोगे कि आपका जो एंगल ऑफ डिप होगा वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो आपका जब डेल्टा पॉजिटिव है इसका मतलब है ए तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर है और बी जो है वो साउदर्न हेमिस्फीयर के अंदर है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर 1 है वो करेक्ट हो जाना चाहिए। जब हमने डे 27 पर अर्थ मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ा था तब इस चीज को डिस्कस किया था, राइट। एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस, हमने डायरेक्ट डी ब्रॉगली वेवलेंथ के बारे में पढ़ा था और इलेक्ट्रॉन की तो खासकर मैंने फॉर्मूला भी बताया था 12.27 डिवाइडेड बाय रूट वी। अगर आपको ये नहीं पता तो भी आप कर सकते हो, अपनों ने एच अपॉन पी देखा था, किसी की भी एच अपॉन पी होता है, पी मोमेंटम होता है, तो उसको अपनों ने किससे रिप्लेस कर दिया, रूट टू एम ई, और एनर्जी को किससे रिप्लेस कर दिया, क्यू इंटू वी। तो आपको थोड़ी कैलकुलेशन लंबी पड़ जाती बट आप इससे भी कर सकते थे, अब डायरेक्ट इससे करते हैं तो हो जाएगा 12.27। अच्छा, इसमें मैंने बताया था आंसर आता है आपका एंगस्ट्रॉम के अंदर डिवाइडेड बाय रूट वी, तो रूट 10,000 आपने कर दिया, 10,000 करा तो यहाँ पे क्या आ गया आपका 12.27 डिवाइडेड बाय 100 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10^-12 -10 और ये और दो चली जाएगी तो -12 आ जाएगा, तो फाइनल आंसर आना चाहिए 12.27 × 10^-12। देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। डायरेक्ट क्वेश्चन है, सिंगल कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, डे 17 पर हमने इस चीज के बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। The displacement of a particle executing simple harmonic motion is given by this. अब मैंने याद रखो डे 12 पर आपको बताया था कि आपकी SHM की इक्वेशन इस फॉर्म में भी आ सकती है, A sin omega t plus B cos omega t, और मैंने डायरेक्ट बताया था कि इसके केस में जो इसका एम्पलीट्यूड होगा वो कितना हो जाता है, इसके कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस इसके कोफिशिएंट का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इसमें ट्विस्ट कितना करा कि इसमें प्लस ए नॉट और ऐड कर दिया, अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ए नॉट ऐड करने का मतलब वो टाइम पे डिपेंड तो कर नहीं रही, तो अगर इक्वेशन इतनी होती तो जो मीन पोजीशन है वो ओरिजिन पर होती, अब इसमें ये कहना चाह रहा है कि जो मीन पोजीशन है वो ए नॉट पर है, बाकी सब कुछ सेम है। अगेन आपका जो एम्पलीट्यूड आएगा वो कितना आना चाहिए, बच्चों ने बहुत सारे बच्चों ने थर्ड ऑप्शन लगाया होगा, क्यों लगाया होगा, क्योंकि उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि एम्पलीट्यूड की डेफिनेशन होती है मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन के बीच का डिस्प्लेसमेंट, उसको अपन एम्पलीट्यूड बोला करते हैं, ठीक है ना। तो बहुत सारे बच्चों का ये क्वेश्चन गलत हुआ होगा, इट इज ऑल्सो अकॉर्डिंग टू मी अ चैलेंजिंग क्वेश्चन, अगर बहुत सारे बच्चों ने ध्यान नहीं दिया होगा तो, अदरवाइज इट इज वेरी इजी। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है, हाँ हमें घबराने की बात नहीं है क्योंकि हमने इस चीज को बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। बहुत ही आसान क्वेश्चन, अल्फा पार्टिकल कंसिस्ट ऑफ, अल्फा पार्टिकल होता है 2 हीलियम प्लस, राइट। तो इसका अगर आप देखोगे न्यूक्लियस के अंदर हमने डिस्कस किया था डे 18 पर, दो तो इसके अंदर प्रोटॉन होते हैं और दो ही इसके अंदर न्यूट्रॉन्स होते हैं, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता क्योंकि ये आयन होता है, राइट। आगे चलते हैं, हॉलो मेटल स्फीयर आर यूनिफॉर्मली, मेटल स्फीयर के लिए अपने करा था कि मेटल स्फीयर के अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है 0 और बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, तो जब आर की वैल्यू 0 एज आर इंक्रीजेस फ्रॉम अंदर होगा तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट हो जाना चाहिए, ठीक है ना, डिक्रीजेस इन आर इंक्रीजेस, ठीक है, एग्जैक्टली डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। डे 1 पर उन्होंने ऐसा क्वेश्चन किया था, अगर आपको उस तरीके का रिलेशन दिया जाता है तो आप डायरेक्ट रिलेटिव एरर निकाल सकते हो या परसेंटेज एरर निकाल सकते हो, कैसे, पावर आ जाती है आगे 2 टाइम्स डेल्टा ए डिवाइडेड बाय ए, उसकी पावर आ जाएगी 1/2 टाइम्स डेल्टा बी अपॉन बी, इसकी पावर आ जाएगी, मैंने बताया था सबको प्लस में लेना होता है, 1/3 डेल्टा सी अपॉन सी प्लस 3 टाइम्स डेल्टा डी अपॉन डी, सबकी जब वैल्यूज रखेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा 16%। बहुत ही आसान क्वेश्चन, जिसने मोस्ट वांटेड सीरीज फॉलो करी है उसको तो मजा ही आ गया होगा इस पेपर को देख के, क्योंकि जस्ट 35 डेज की मेहनत के ऊपर आपने बहुत बहुत अच्छे नंबर हासिल करे होंगे अगर आपने बाय हार्ट इस सीरीज को फॉलो किया होगा तो, राइट। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाना चाहिए। आगे चलते हैं, अ फोर्स एफ
देखो फोर्स दे रखा है आपको वेरिएबल, तो वेरिएबल के केस में अपने एग्जैक्टली डे 7 पर डिस्कस किया था कि वर्क जो है वो इंटीग्रेशन से निकाला जाता है एफ ऑफ डी वाई। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन करोगे किसका, 20 + 10y का, किसके रेस्पेक्ट में, खुद dy के रेस्पेक्ट में। तो ये आंसर आ जाएगा 20y + 10y² / 2। आई गेस इंटीग्रेशन सबको करना आता है, y की वैल्यू 0 से 1 रखोगे, 0 रखने का तो फायदा है नहीं, 1 रख देते हैं, तो ये आ जाएगा 20 + 10/2 मतलब 25 जूल। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट हो जाना चाहिए, बिल्कुल आसान क्वेश्चन और exactly अपनों ने किया हुआ है। In which of the following processes heat is neither absorbed nor released by a system? तो heat जो है exchange नहीं होती adiabatic process के अंदर। Day 31 याद करो thermodynamics, अपनों ने बहुत प्यार से इस concept को किया था और आप में से बहुत सारे लोगों को मजा आ गया होगा जब इस question को देखा होगा। In which of the following devices the eddy current effect is not used? देखो electromagnet के अंदर eddy current होता है, इंडक्शन फर्नेस के अंदर एडी करंट होता है, मैग्नेटिक ब्रेकिंग इन ट्रेन के अंदर एडी करंट होता है, एक इलेक्ट्रिक हीटर ऐसी डिवाइस है जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के ऊपर काम करती है। हालांकि हमने इसको डिस्कस नहीं किया था, बट इट वाज स्टिल एन इजी क्वेश्चन, राइट? आप स्टिल इसको कर सकते हो, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाना चाहिए। द यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, जस्ट रिसेंटली डे 35 पर हमने इसको डिस्कस किया था, उन्होंने बताया था कि जब एक रॉड के ऊपर टेम्परेचर डिफरेंस होता है तो हीट फ्लो होती है, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, उसके लिए अपनों ने थर्मल रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट डिफाइन किया था। तो थर्मल रेजिस्टेंस हुआ करता था L अपॉन K इनटू A, और अगर आप इसको लिखोगे तो ये डेल्टा T टेम्परेचर डिफरेंस तो वोल्टेज की तरह काम करता था, और डेल्टा Q बाय डेल्टा T ये किसकी तरह काम करती थी, आपकी करंट की तरह, हीट की फ्लो की रेट जो है वो करंट की तरह काम करती थी। K आपको मैंने बताया था कंडक्टिविटी है, तो K को एक जगह रख लो बाकी सबको भेज दो, तो K आ जाएगा आपका, आपको K उधर ले जाना है, तो ये आ जाएगा L अपॉन A डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, स्मॉल टी टाइम है, और 1 / डेल्टा टी। देखो एल अपॉन ए का मतलब है मीटर अपॉन मीटर स्क्वायर, तो मीटर इनवर्स तो यहां से बच गया। क्यू अपॉन टी का मतलब है जूल पर टाइम, तो ये वॉट हो गया, और 1 / टी का मतलब है केल्विन इनवर्स। तो देखो कौन सा ऑप्शन आना चाहिए आपका, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन, ठीक है। A body weighs 200 newton on the surface of the earth. How much will it weigh halfway down to the center of the earth? तो अपन अर्थ के अंदर चले जाते हैं, तो g dash हमने डिस्कस किया था किसके इक्वल होता था, g times 1 minus d upon r, direct d की वैल्यू दे रखी है r by 2, तो जैसे d की जगह r by 2 रखोगे तो g dash आ जाएगा g times 1 minus 1 by 2 मतलब g by 2 आ जाएगा। तो अगर gravitational acceleration half हो गया तो आपका weight भी कितना हो जाना चाहिए, half हो जाना चाहिए, तो option number 2 जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए। सिंगल कंसेप्ट बेस बहुत ही आसान, डायरेक्ट क्वेश्चन अपनों ने डिस्कस किया था। टू पैरेलल इनफाइनाइट लाइन चार्जेस आर लीनियर, ऐसे रखे हुए हैं, ऐसे रखे हैं। तो डे 21 पे अपनों ने डिस्कस किया था कि एक वायर की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो होती है 2k λ/distance, तो डिस्टेंस कितनी दे रखी है आर, हाफ पे है तो आर है, और जो नेगेटिव है उसकी वजह से रेडिली, देखो पॉजिटिव तो क्या करेगा रिपेल करेगा तो इलेक्ट्रिक, और नेगेटिव क्या करेगा अट्रैक्ट करेगा, तो दोनों एक ही डायरेक्शन में आ जाएगी, एक ही डायरेक्शन में आ जाएगी, तो दोनों का सम सेम होना चाहिए। अगर सम सेम होना चाहिए तो आपकी टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आ जानी चाहिए 4k λ/r, सबकी वैल्यू रखो 4k का मतलब है 1/4πε0 × λ/r, 4 से 4 कट गया तो आंसर आ जाना चाहिए λ/πε0 r। बहुत सारे बच्चों को क्वेश्चन पढ़ने पर टफ लगा होगा, लेकिन अब लग रहा होगा कि यार क्यों छोड़ दिया इस क्वेश्चन को, इतना आसान क्वेश्चन था ये, राइट? इसका ऑप्शन आ जाना चाहिए λ/πε0 r, कर सकते हैं हम आसानी से। फिर आगे देखते हैं, मास m is attached to a thin wire, जब हमने सर्कुलर मोशन पढ़ा था तब इस क्वेश्चन को डायरेक्टली डिस्कस किया था। वर्टिकल सर्कुलर मोशन के केस में सबसे हाईएस्ट जो टेंशन होती है वो लोअर मोस्ट पॉइंट के ऊपर होती है, तो वहीं पर इसके टूटने के सबसे ज्यादा चांसेस होंगे, मास इज एट द लोअर मोस्ट पॉइंट, राइट? इसमें देखो, इसमें जब अपन इसकी ट्रुथ टेबल बनाएंगे a b और led, तो अपन देखेंगे यार जब इसको ऑन कर दिया जाता है, इसको ऑन कर दिया जाता है तो ये शॉर्ट सर्किट हो जाता है, और करंट कहां से फ्लो होने लग जाती है, यहां से, यानी कि एलईडी चलेगी नहीं, तो इसकी 1-1 की कंडीशन में हो जाएगा 0, अदरवाइज हर कंडीशन में आपकी एलईडी चलेगी, 0-1 के केस में भी चलेगी और 1-0 के केस में भी चलेगी। अब हमने जैसे ही ट्रुथ टेबल बनाई तो हमने देखी यार ये तो किससे मैच करती है, नैंड गेट के ट्रुथ टेबल से मैच करती है। मैंने बताया था कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं, एग्जैक्टली इसका जो ऑप्शन है वो कितना होगा 1। अपने डे 20 पर लॉजिक गेट्स के बारे में पढ़ा था, एग्जैक्टली ऐसे कैसे क्वेश्चंस अपनों ने करने की कोशिश करी थी, ठीक है। अ ब्लॉक ऑफ मास 10 kg इज इन कांटेक्ट अगेंस्ट इन अ वॉल, ऐसे आपका सिलेंडर है, ठीक है ना, ये भी थोड़ा
चैलेंजिंग क्वेश्चन है, बट अपनों ने एग्जैक्टली ऐसा का ऐसा क्वेश्चन किया था, और यहाँ पर आपका एक ब्लॉक है। अब इसके लिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, तो इसके ऊपर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं? देखो ये और ये कॉन्टेक्ट में है, तो इसके ऊपर एक तो लग रहा होगा नॉर्मल फोर्स, ठीक है। प्लस क्योंकि ये सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, तो मैंने बताया था सर्कुलर पाथ पे मूव करते हुए बॉडी के ऊपर आप फोर्स लगा दो एम ओमेगा स्क्वायर आर, क्योंकि ओमेगा की फॉर्म में मांगा है, अदरवाइज एम वी स्क्वायर अपॉन आर भी लगा सकते थे। एम जी लग रहा होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और इसको रोक रहा होगा कौन? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन खुद किसके इक्वल होता है? म्यू इंटू एन। एन खुद किससे बैलेंस है? एम ओमेगा स्क्वायर, तो म्यू इंटू एम ओमेगा स्क्वायर आर, ठीक है। तो म्यू इंटू एम ओमेगा स्क्वायर आर ये किससे बैलेंस हो जाएगा? एम जी से बैलेंस हो जाएगा। एम से तो एम कट ही जाएगा, तो ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी जी डिवाइडेड बाय म्यू आर अंडर रूट। जब इन सबकी वैल्यू रखोगे तो आपका आंसर आ जाना चाहिए 10 रेडियन पर सेकेंड, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो याद रखो जब मैंने सर्कुलर मोशन पढ़ाया था तब आपको इस कंसेप्ट के बारे में बताया था, और एग्जैक्टली ऐसे कैसे क्वेश्चन लिए थे। मैंने स्ट्रिंग का क्वेश्चन लिया था, यहाँ पे सिलेंडर का क्वेश्चन आ गया, ठीक है ना। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बट ठीक है, बहुत सारे बच्चों को ये क्वेश्चन चैलेंजिंग लगा होगा। स्मॉल होल ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज प्रेजेंट नियर द बॉटम, तो ऐसा आपका टैंक है और इसके बिल्कुल बॉटम के ऊपर क्या बना हुआ है? एक स्मॉल होल बना हुआ है। तो उस केस में मैंने बताया था टॉरिसलीज इक्वेशन बताई थी, टॉरिसलीज लॉ बताया था मैंने, उसके केस में पानी जो बाहर निकल रहा होता है वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स, याद रखो वो एग्जैक्टली किसके इक्वल होती है? एक फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट की तरह होती है, तो रूट टू जी एच हो जाएगी। और रेट ऑफ फ्लो ये किसके इक्वल होती है? एरिया मल्टीप्लाइड बाय वी के इक्वल होती है, यानी कि एरिया को अपन किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? रूट टू जी एच से मल्टीप्लाई कर देंगे। एरिया अपनों को दे रखा है, हाइट अपनों को दे रखी है, जी अपनों को दे रखा है, तो जब अपन इन सारी की सारी चीजों को सॉल्व करेंगे तो अपना जो ऑप्शन है 12.6 × 10⁻⁶ ये आपका करेक्ट आंसर आ जाना चाहिए। आई होप बहुत सारे बच्चों ने इस क्वेश्चन को कर दिया होगा। अपनों ने डे 10 जब प्रेशर एट डेप्थ के बारे में बात करी थी, बर्नौली इक्वेशन के बारे में बात करी थी, तब इसको यूज किया था। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज शॉट फ्रॉम द बॉटम ऑफ अ लॉन्ग स्मूथ, मैंने पहले ही बताया था कि वर्क एनर्जी थ्योरम के ऊपर ऐसा हो ही नहीं सकता कि कभी कोई क्वेश्चन ना आए। ये ब्लॉक है, इसको वी स्पीड से फेंका गया है, तो यहाँ पे इसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ एम वी स्क्वायर। ये जाता है और इस जगह पर जाकर रुक जाता है, राइट। अगर इस डिस्टेंस को इन्होंने एक्स वन बोला है, राइट, तो ये वाली जो हाइट है यहां से लेके यहां तक की जो हाइट है ये कितनी हो जाएगी? इसको अपन ले लेते हैं थीटा, तो ये हो जाएगी एक्स साइन थीटा, यानी कि यहां पर इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी एम जी एक्स साइन थीटा। तो एनर्जी कंजर्वेशन बोल लो या वर्क एनर्जी थ्योरम बोल लो, हाफ एम वी स्क्वायर ये किसके इक्वल हो जाएगा? एम जी एक्स साइन थीटा के इक्वल हो जाएगा। अब आप नोटिस करो एम से एम कट गया, वी उसने कॉन्स्टेंट बोल रखा है, जी कॉन्स्टेंट है, तो सीधा सीधा एक्स आपको इन्वर्सली प्रोपोर्शनल दिखाई दे रहा है किसके? साइन थीटा के। साइन थीटा को नीचे लिया होगे, यानी कि एक्स वन डिवाइडेड बाय एक्स टू की जो वैल्यू है वो साइन थीटा टू डिवाइडेड बाय साइन थीटा वन के इक्वल हो जानी चाहिए। साइन थीटा टू का मतलब है 30 डिग्री, तो साइन 30 डिवाइडेड बाय साइन 60 के इक्वल हो जानी चाहिए। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, 2 से 2 कट गया, आंसर आ जाना चाहिए 1/√3। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, लेकिन बहुत कम बच्चों से ये क्वेश्चन हो पाया होगा, क्योंकि जब भी आप बड़ा क्वेश्चन देखते हो ना तो आप आधा तो घबरा जाते हो, और कोई रीजन नहीं है। डायरेक्ट क्वेश्चन है, एक वायर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आर के, और वायर के बाहर मैग्नेटिक फील्ड होती है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आर के, यानी कि पहले तो बढ़नी चाहिए और फिर घटनी चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। डे 24 पर अपनों ने एम्पीयर्स लॉ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ करंट के अंदर इस चीज को पढ़ा था। सो बबल हैविंग रेडियस ऑफ 1 मिलीमीटर इज ब्लोन फ्रॉम अ डिटर्जेंट सॉल्यूशन हैविंग अ सरफेस टेंशन, तो अगर आप लोगों को रेडियस और सरफेस टेंशन दे दी तो हम उसका एक्स एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं। मैंने एग्जैक्टली बताया था कि सोप बबल के बाहर और अंदर दोनों तरफ फ्री सरफेसेस होती है, तो एक्स एक्सप्रेशन हो जाएगा 4t/r। अब ये बोल रहे हैं कि ये प्रेशर किसके इक्वल है? द प्रेशर इनसाइड द बबल इक्वल्स एट अ पॉइंट z0, तो हमने प्रेशर एट डेप्थ में पढ़ा था कि रो टाइम्स जी टाइम्स हाइट, हाइट यहां पे दे रखी है z0, ये दोनों आपस में इक्वल है। तो अब आपसे पूछा गया है कि z0, तो आपसे पूछा गया वैल्यू ऑफ z0, तो z0 की वैल्यू आ जाएगी डायरेक्ट, आप रख सकते हो 4 times t / r times rho × g। सबकी वैल्यू है आपके पास में, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाना चाहिए 1 cm, आप सब कर लोगे इस चीज को। इसके अंदर बस हल्का सा ये था, अच्छा इस तरीके के क्वेश्चंस अपनों ने किए थे, आई होप मोस्ट वांटेड सीरीज को फॉलो करने वाले को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। द वर्क डन टू रेज अ मास m फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ टू अ हाइट h व्हिच इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द अर्थ, ठीक है।
तो मैंने बताया था कि जब आप छोटी मोटी हाइट पर ले जाते हो तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgh यूज कर सकते हो, बट जब बड़ी रेडियस ऑफ अर्थ के इक्वल हाइट पर लेके जा रहे हो तो आपको फिर थोड़ा सा कुछ डिफरेंट करना पड़ेगा। क्या डिफरेंट करना पड़ेगा आपको? पोटेंशियल एनर्जी। तो सरफेस पर पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी माइनस जी, ये मास का अर्थ का मास ले लेते हैं कैपिटल एम डिवाइडेड बाय आर, और जब आप यहां पर होंगे सेंटर से लेते हैं अपन तो ये हो जाएगी माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय 2r। फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर देते हैं, जैसे माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा, जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय आर बाहर आ जाएगा, ठीक है, 1 माइनस 1 बाय 2 बच जाएगा, यानी ये बचेगा जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय आर मल्टीप्लाइड बाय 2। अब इसको क्या है, अपन आर से अपन अपनी तरफ से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इधर से भी डिवाइड कर देते हैं और मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्यों? क्योंकि जी एम अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर जो होता है वो जी के इक्वल होता है, तो फाइनल आंसर आ जाना चाहिए हाफ एम जी आर। बहुत सारे बच्चों ने क्या करा होगा, वो MGH वाला फॉर्मूला लगाया होगा और आंसर MGR रख के आएंगे, बट यहाँ पे वही ट्विस्ट था कि जब आप ज्यादा हाइट तक जाते हो, ये एग्जैक्टली अपनों ने डिस्कस किया था डे 30 पर कि किस तरीके से वेरी होता है, तो इसका आंसर जो है वो आ जाना चाहिए हाफ MGR, राइट। आगे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स, ठीक है, सबको पता है फ्यूज वायर जो होता है 10th क्लास में पढ़ा था हमने, ठीक है, इसके बताने की जरूरत नहीं है इसको। टू पार्टिकल्स ए एंड बी आर मूविंग इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इन कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। अपनों ने जब सर्कुलर मोशन पढ़ा था तब अपनों ने बताया था कि टाइम पीरियड होता है 2π/ω। इस सर्कुलर मोशन में भी पढ़ा था, अल्टरनेटिंग करंट में भी पढ़ा था, SHM में भी पढ़ा था। तो टाइम पीरियड और ओमेगा, टाइम पीरियड किसके ऊपर डिपेंड करता है? ओमेगा। ओमेगा किसके ऊपर डिपेंड करता है? टाइम पीरियड। अब बोला है क्योंकि टाइम पीरियड जो है वो सेम है, अरे भाई जब टाइम पीरियड सेम होगा तो ओमेगा भी क्या हो जाना चाहिए? सेम हो जाना चाहिए, इसलिए एंगुलर स्पीड भी सेम हो जानी चाहिए, उनका रेशियो हो जाएगा 1:1। डायरेक्ट क्वेश्चन आया, ठीक है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 20 माइक्रोफेरेड। तो देखो कैपेसिटेंस के लिए जब अपन करंट निकालते हैं तो वो किसके इक्वल आ जाती है? dQ/dt। यहाँ पे d q को लिखा जा सकता है c मल्टीप्लाइड v डिवाइडेड बाय dt। अब c तो कांस्टेंट है, dV/dt, और ये dV/dt अपनों को दे रखा है कि कितने रेट से चेंज हो रहा है। तो c तो आपको दे दिया 20 माइक्रोफेरेड और dV/dt आपको दे दिया 3, यानी कि 60 माइक्रो एम्पियर। ये आपकी किसकी करंट आ जानी चाहिए? कंडक्शन करंट जो वायर के अंदर से फ्लो हो रही है। अब याद करो डे 29 पे हमने ईएम वेव्स के अंदर डिस्प्लेसमेंट करंट का कांसेप्ट पढ़ा था, वहां पे हम लोगों ने देखा था कि वायर के अंदर तो फ्लो होती है कंडक्शन करंट और प्लेट के बीच में होती है डिस्प्लेसमेंट करंट, और कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट आपस में क्या होती है? इक्वल होती है। तो ऑब्वियसली आंसर 4th जो है वो इसका क्या आ जाना चाहिए? करेक्ट आंसर आ जाना चाहिए, राइट। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बट ये बहुत कम लोगों ने किया होगा क्योंकि बहुत सारे बच्चे पढ़ के ही नहीं जाते। थैंक्स टू मोस्ट ऑफ सीरीज कि हमने इस चीज को कवर तो किया एटलीस्ट, ठीक है। ऐसे इसको देखो, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग आप देखोगे तो t इज इक्वल टू 0 पर आपका पार्टिकल कहां पर दिखाई दे रहा है? 3 मीटर पर दिखाई दे रहा है, और t इज इक्वल टू 1 सेकंड पर, टाइम पीरियड 4 है ना, तो उसका चौथा हिस्सा ले लो, पार्टिकल आपको y इज इक्वल टू 0 पर दिखाई दे रहा है। केवल और केवल एकमात्र एक कंडीशन ये है, ऑप्शन नंबर 2 जो है वो इस चीज को फॉलो कर रहा है, जब t इज इक्वल टू 0 रखोगे cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, आंसर आ जाएगा 1। जैसे t is equals to 1 रखोगे तो cos pi by 2 की वैल्यू कितनी होती है? 0, तो आंसर आ जाएगा 0। अब आप में से बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे, सर ऑप्शन नंबर 1 जो है वो भी इसको फॉलो करना चाहिए, तो यहाँ पे आप टाइम पीरियड पर जाना, फिर टाइम पीरियड किसके इक्वल होता है? 2π/ω के इक्वल होता है, और मैंने बताया था टाइम का जो कॉफिशियंट है वो टाइम पीरियड की तरह बिहेव करता है, तो अगर इस ऑप्शन के हिसाब से रखते तो आ जाता 2π/3π/2। Obviously, पाई से पाई कट के ये 4/3 आ रहा है, और इसके केस में अपन देखेंगे तो याद है 2π/, इसके केस में ओमेगा कितना है? पाई डिवाइडेड बाय 2, 2 से 2, पाई से पाई कैंसिल आ जाता और ये आ जाता 4। तो अपन डबल श्योर आ जाएगी अपना आंसर कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। एक 12 पर अपनों ने कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस किए थे, तो आपको आने चाहिए। फॉर अ पी टाइप सेमीकंडक्टर, डायरेक्ट देखा था, पी टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर होल्स जो होते हैं वो मेजोरिटी में होते हैं, और होल बनते हैं क्योंकि अपन ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी डालते हैं, ठीक है ना, तो होल्स आर दी मेजोरिटी कैरियर्स एंड ट्राइवेलेंट एटम्स आर लूप एंड्स। इस तरीके से इसका आंसर आ जाना चाहिए। 6 सिमिलर बल्ब्स आर कनेक्टेड। अब देखो इस क्वेश्चन को जब आप पढ़ोगे, द रेशियो ऑफ पावर कंजम्पशन बाय द बल्ब व्हेन, तो एक कंडीशन में तो सारे के सारे लगे हुए, एक कंडीशन में यहाँ पे 2 लगे हुए, इधर 1 लगा हुआ है। इस तरीके से कंडीशन ये है कि आपका जो नेट वोल्टेज है वो हमेशा सेम है, तो पावर का फॉर्मूला होता है V²/2R, ठीक है ना, इस तरीके से अपन निकाल, सॉरी V²/R, ठीक है ना। तो V²/R को देखोगे, और V मतलब वोल्टेज अगर कांस्टेंट है तो पावर डायरेक्टली किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल नजर आ रही है? R के, यानी कि P1 / P2 जो हो जाएगा वो किसके इक्वल हो जाएगा? R2 / R1।
R2 का मतलब है सेकंड कंडीशन में टोटल रेजिस्टेंस। सेकंड कंडीशन में क्या हो रहा है, व्हेन टू फ्रॉम सेक्शन ए एंड वन फ्रॉम सेक्शन बी है, यहां पे दो रेजिस्टेंस लगे हुए और यहां पे एक लगा हुआ है, तो रेजिस्टेंस को अपन अगर अपन R मान लेंगे तो R और R पैरेलल में हो जाएंगे R by 2, R by 2 plus R करेंगे तो 3R by 2, तो इसका रेजिस्टेंस आ जाएगा 3R by 2। और जब सारे के सारे लगे हुए हैं तो क्या होगा, R R R पैरेलल में हो जाएंगे तो R by 3, R R R पैरेलल में हो जाएंगे R by 3, दोनों फिर सीरीज में हो जाएंगे तो 2R divided by 3, R से R कट गया 3 चला जाएगा ऊपर, तो 9 divided by 4 जो है वो इसका आंसर आ जाना चाहिए। आपको लगेगा कि सर आप किस तरीके से ये कर देते हो, क्योंकि जब आप बहुत कंसेंट्रेटेड, आप लोगों ने मोस्ट वांटेड सीरीज के अंदर इसी अप्रोच को यूज किया था, कि आपको बस केवल और केवल पता होना चाहिए कि कौन सा वेपन यूज करना है। अभी क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों के लिए चैलेंजिंग था, बट बस स्टिल इजी क्वेश्चन इफ यू हैव फॉलोड मोस्ट वांटेड सीरीज बाय हार्ट। इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ अ गैस फील्ड, आप लोगों ने देखा था टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली आप लोगों ने ये कांसेप्ट देखा था D32 पर जब हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ रहे थे, काइनेटिक एनर्जी। तो अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जानी चाहिए गैस की, राइट। आगे देखते हैं, इन अ डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट व्हेन लाइट ऑफ वेवलेंथ 400 नैनोमीटर वाज यूज्ड द एंगुलर विड्थ, डे 16 पर जब हम क्वेश्चंस कर रहे थे तो आप लोगों ने देखा था कि एंगुलर विड्थ जो होती है, ठीक है, जो भी एंगुलर विड्थ था आप उसको थीटा नाम दे लो, वो होती है लैम्डा बाय डी, ठीक है, यानी कि वो प्रोपोर्शनल हो जाएगी लैम्डा के, और लैम्डा जो है वो खुद इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, म्यू के, यानी कि आपकी जो थीटा डैश है वो थीटा डिवाइडेड बाय म्यू के इक्वल हो जानी चाहिए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी थीटा लैम्डा के, लैम्डा इसके, तो जब आप वाटर में ले जाओगे तो म्यू टाइम्स रिड्यूस हो जाएगी, तो पहले थी 0.2 डिग्री और फिर आप उसको वाटर में ले गए तो 4 डिवाइडेड बाय 3 से डिवाइड कर दिया, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाना चाहिए 0.15 डिग्रीज। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बट स्टिल इट वाज अ चैलेंजिंग क्वेश्चन फॉर मोस्ट ऑफ यू। व्हाई? क्योंकि आप इतना बड़ा क्वेश्चन देखते हो, इतनी बड़ी इंफॉर्मेशन देखते हो, तो आप मैक्सिमम लोग घबरा जाते हो, जबकि मोस्ट वांटेड सीरीज के अंदर हमने कोशिश करी थी, हमने ये अप्रोच सीखने की कोशिश करी थी कि हम क्वेश्चन को एज ए वेपन, मतलब हमारे पास क्या रखा हुआ और हमको क्या अप्लाई करना उस तरीके से सॉल्व करें। अब देखो इस क्वेश्चन का एग्जाम्पल लो, इस क्वेश्चन में अपनों ने देखा था कि आपकी जो टोटल काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है, वो किसके इक्वल हो जाती है, तो ये अपनों ने देखा था कि इसको यूं लिखा जा सकता है, ठीक है, एम वी स्क्वायर अपॉन आर, जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है वो कहां से मिलता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से, तो के टाइम्स जेड टाइम्स ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, आर से आर कट जाता है तो के टाइम्स जेड टाइम्स ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, तो एम वी स्क्वायर की वैल्यू ये होती है, इसलिए हमने देखा था जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो हो जाती है हाफ टोटल एनर्जी आती है, टोटल एनर्जी वो नेगेटिव आती है और वो काइनेटिक एनर्जी के ही इक्वल होती है इन मैग्नीट्यूड, होती नेगेटिव बट होती काइनेटिक एनर्जी के इक्वल, तो अपन डायरेक्ट लगाएंगे अगर टोटल एनर्जी -3.4 है तो इसी का जो पॉजिटिव होगा वो तो हो जानी चाहिए काइनेटिक, तो 3.4 तो ये हो गई, और इसी का नेगेटिव और डबल हो जानी चाहिए पोटेंशियल, यानी कि -6.8, तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका डायरेक्ट आंसर हो जाना चाहिए। एग्जैक्टली जब हम डे 16 पर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा के बारे में पढ़ रहे थे तो हमने इस चीज को डिस्कस किया था और मैंने बताया था कि इस चीज के ऊपर क्वेश्चंस आ सकते हैं। विच कलर ऑफ द लाइट हैज द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, हमने जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ा था तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ा था, इंफ्रारेड के बाद में रेड आता है और जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे वेवलेंथ कम होती जाती है, तो रेड की जो वेवलेंथ है वो सबसे ज्यादा होती है, ठीक है ना। आगे चलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द क्रिटिकल एंगल फॉर द पेयर ऑफ मीडिया इन कांटेक्ट, व्हाट विल बी द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो मैंने ये बताया था आपको कि जब आप एग्जैक्टली क्रिटिकल एंगल पर ही इंसिडेंट करवा देते हो तो आपकी रिफ्लेक्टेड रे 90 डिग्री पर चली जाती है, तो आपका रिफ्लेक्शन वाला एंगल कितना हो जाना चाहिए, डायरेक्टली 90 डिग्री हो जाना चाहिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन, डिस्क ऑफ रेडियस 2 मीटर एंड मास 100 केजी रोल्स ऑन अ हॉरिजॉन्टल फ्लोर, तो हमने देखा था रोलिंग के केस में जो टोटल एनर्जी होती है वो दो तरीके से आती है, एक तो ट्रांसलेशनल और एक रोटेशनल, और हमने इसका फॉर्मूला भी देखा था हाफ कैपिटल एम वी सी एम स्क्वायर और 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ये इसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए, और वर्क एनर्जी थ्योरम के अकॉर्डिंग टोटल काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल हो जाती है, वर्क के इक्वल हो जाती है। डिस्क के लिए आपने देखा था डिस्क के लिए के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू हो जाती है 1/2, तो जैसे 1 + 1/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 3/2, तो हाफ एम वी सी एम स्क्वायर टाइम्स 3/2 ये आ जाएगा डब्ल्यू क्यूब। सब कुछ दे रखा है, अपनों को एम दे रखा है, अपनों को वी सी एम सेंटर ऑफ मास की स्पीड दे रखी है, सारी चीजें दे रखी है, तो जब हम सॉल्व करेंगे तो अपना आंसर आ जाना चाहिए 3 जूल, ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाना चाहिए, राइट। बहुत ही आसान क्वेश्चन,
When a block of mass M is suspended by a long wire. तो हमने देखा था आपकी ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, हमने डे 34 पर ही डिस्कस किया था, जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती है वो किसके इक्वल होती है, वो होती है हाफ स्ट्रेस मल्टीप्लाइड बाय स्ट्रेन मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम. मैंने बताया था पर वॉल्यूम स्ट्रेस मल्टीप्लाइड स्ट्रेन की होती है, और आपको निकालनी हो टोटल तो वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो हो जाएगा हाफ स्ट्रेस, तो हो जाएगा mg डिवाइडेड बाय a, स्ट्रेन हो जाएगा L थी L प्लस L हो गई तो चेंज इन लेंथ स्मॉल L डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ होगी कैपिटल L, और ओरिजिनल वॉल्यूम कितना था A मल्टीप्लाइड बाय L, A मल्टीप्लाइड बाय से L कट जाएगा. एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन किया था, अगर किसी को याद हो तो अभी किया है, आई होप सबको याद होगा हाफ mgl इसका आंसर आ जाना चाहिए. तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट हो जाना चाहिए. सॉलिड सिलेंडर ऑफ मास 2 kg रेडियस 4 सेंटीमीटर इज रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस एट द रेट ऑफ द, ये इस पेपर का सबसे चैलेंजिंग क्वेश्चन था. मैं बताता हूँ कारण क्या है, क्यों बच्चों ने इसके अंदर गलती की है. इनफैक्ट मैंने भी जब फर्स्ट टाइम किया था तो मेरे से गलती हो गई थी इसमें. इसमें 2π रिवॉल्यूशंस पर आपको ध्यान देना है. अब देखो कहां पर काम आएगा. देखो सबसे पहले तो अपन रोटेशनल काइनेमेटिक्स लगाते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपका जो ओमेगा स्क्वायर है वो किसके इक्वल हो जाना चाहिए, 2α θ के इक्वल हो जाना चाहिए. तो एल्फा की वैल्यू हो जाएगी ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2θ. ओमेगा आपको दे रखा है कितना, 3. RPM का मतलब होता है, मैंने बताया था रोटेशन पर मिनट को कन्वर्ट करने के लिए अपन पाई बाय 30 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसका कर दिया उन्होंने स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इनटू थीटा. अब यहां पे नोटिस करना मैक्सिमम लोगों ने थीटा रख दिया होगा 2π, जबकि वहां पे दे रखा 2π रिवॉल्यूशन, कितने रिवॉल्यूशन है 2π, और हर रिवॉल्यूशन में कितना एंगल चलता है वो 2π चलता है. तो इस तरीके से आपका कुछ आना चाहिए, यहां से 3 से 30 कैंसिल हो जाएगा, पाई बाय 10 का स्क्वायर करेंगे तो पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100 आ जाएगा, 2 इनटू 2 इनटू 2 करेंगे तो ये 8 आ जाएगा, और नीचे पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कट गया तो 1 डिवाइडेड बाय 800 इसके अल्फा की वैल्यू आ जानी चाहिए. और जब अल्फा आ गया तो टॉर्क जो होता है वो होता है आई मल्टीप्लाइड बाय अल्फा. आई किस चीज के इक्वल होगा, सॉलिड सिलेंडर और डिस्क सेम ही होते हैं, एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2. तो एम मास तो दे रखा है आपको 2, आर स्क्वायर का मतलब है 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 16 × 10⁻⁴ डिवाइडेड बाय 2 कुछ इस तरीके से होगा, और अल्फा की वैल्यू हो जाएगी 1 डिवाइडेड बाय 800. तो 2 से तो 2 कैंसिल हो गया, और जब आप इसको सॉल्व करोगे 800 का पावर 2 पर चला जाएगा तो 10⁻⁶ हो जाएगा, तो 2 × 10⁻⁶ इसका आंसर आना चाहिए, 2 × 10⁻⁶. अगर आप अदर वे अराउंड करोगे तो फिर आपका आंसर जो है वो कुछ और आ जाएगा. तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसके अंदर केवल और केवल इस वर्ड की वजह से बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन गलत हो गया होगा. 2 पॉइंट चार्जेस ए एंड बी हैविंग चार्जेस क्यू एंड माइनस क्यू आर प्लेस्ड एट सर्टेन डिस्टेंस. पहले ये प्लस क्यू था, ये माइनस क्यू था, दोनों मान लो आर डिस्टेंस पर रखे हुए थे, तो फोर्स था के पहला चार्ज दूसरा चार्ज मतलब क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय डिस्टेंस स्क्वायर. फिर क्या करा, यहां से उठाया इसका 25%, तो यहां पे रह गया 3q/4, और वो q/4 इसको दे दिया, तो माइनस क्यू प्लस q/4 करोगे तो -3q/4 रह जाएगा. अगेन उनको आर डिस्टेंस पर रख दिया तो फोर्स एफ डैश हो जाना चाहिए कितना, के टाइम्स पहला चार्ज दूसरा चार्ज मतलब क्यू स्क्वायर इंटू 9/16, ठीक है, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस स्क्वायर. ये शक्ल पहचान लो किसके इक्वल है, एफ के इक्वल, तो एफ डैश हो जाना चाहिए 9/16 टाइम्स एफ, ठीक है. डायरेक्ट क्वेश्चन है ये जो कि आप लोग कर सकते हो, ठीक है ना. हालांकि ऐसा क्वेश्चन अपनों ने डिस्कस नहीं किया था, बट ठीक है आप फिर भी कर सकते हो इस क्वेश्चन को. पिक द रॉन्ग आंसर इन द कॉन्टेक्स्ट इन रेनबो. मैंने बताया था रेनबो आपको तब दिखाई देता है जब रेनबो सामने हो और सन पीछे हो, तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया. एन ऑब्जर्वर कैन सी अ रेनबो व्हेन His front is towards the sun, जबकि होना क्या चाहिए था, उसकी back sun की तरफ होनी चाहिए, तब जाके होना चाहिए. ये भी हमने क्या discuss नहीं किया था, but ठीक है, आप rainbow के बारे में मैंने हल्का फुल्का mention जरूर किया था. Copper rod of 88 centimeter, aluminium rod of, तो हमने जब thermal properties of matter पढ़ा था, तो हमने देखा था कि temperature बढ़ाने पर जो length increase होती है, delta L, वो किस-किस के proportional होती है, वो proportional होती है, या directly लिख सकते हैं अपन, डेल्टा एल जो होता है वो किसके इक्वल होता है, अल्फा टाइम्स ओरिजिनल लेंथ टाइम्स डेल्टा टी, इस चीज के इक्वल होता है. अब यहां पे आपको दे रखा है कि डेल्टा एल और डेल्टा टी सेम है, ठीक है, दियर इंक्रीज इन लेंथ इंडिपेंडेंट ऑफ इंक्रीज इन, ये डेल्टा एल डेल्टा टी से इंडिपेंडेंट है, मतलब इनका रेशियो सेम है. तो अल्फा इनटू एल क्या हो जाना चाहिए, कांस्टेंट हो जाना चाहिए. कांस्टेंट होने का मतलब है अल्फा ऑफ कॉपर, एल ऑफ कॉपर किसके इक्वल हो जाना चाहिए, अल्फा ऑफ एल्यूमिनियम, L of aluminium के equal हो जाना चाहिए, ठीक है ना. तो आपको चाहिए था the length of the aluminium rod, length of aluminium rod आपको निकालनी थी, तो alpha copper divided by alpha aluminium multiplied by L copper. जब इनकी value रखोगे
इसकी वैल्यू दे रखी है एल्यूमिनियम की, सॉरी कॉपर की दे रखी है 1.7 × 10⁻⁵. इसकी दे रखी है 2.2 × 10⁻⁵ और ये दे रखी है आपको 88 सेंटीमीटर. -5 से -5 गया, पॉइंट से पॉइंट गया, 28 से ये गया और 17 लाइंस पूरे करोगे तो 68 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाना चाहिए. तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाना चाहिए. तो ये था हमारे नीट का पेपर. मुझे बहुत 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 खुशी है. और कल जस्ट पेपर देने के बाद में मैंने देखा था कि बहुत सारे वीडियोस के ऊपर बच्चों के कमेंट आ रखे थे. बच्चों ने तहे दिल से शुक्रिया अदा किया इस सीरीज के लिए, हमारी इस पूरी टीम को. तो यार ये हम सबका कलेक्टिव एफर्ट था मेरा इस तरीके से आपके सामने आना और आपका मेरे को इतने अच्छे तरीके से रिसीव करना, हम सबके काम आया है. तो आई होप हमारा साथ कुछ इसी तरीके से बना रहेगा. अगर आपको मेरे से जुड़े रहना है तो आप मेरा खुद का चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई होगी. और आपको जरूर 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 कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है कि सच में मोस्ट वॉन्टेड सीरीज आपके लिए कितनी रिलेवेंट रही है, कि आपकी जो टेस्टिमनी है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. मेरे कहने से कुछ नहीं होगा कि इस दिन से आ गया, आपको बताना है. तो आपका कमेंट बॉक्स में मैं इंतजार करूंगा आपके आंसर्स का. मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.